अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे हैं आप लोग? वेलकम हो चुका है फिर से हमारे नज़र ब्लॉग के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि ये है रमज़ान का तीसरा ब्लॉग अलग करम से, और बस अभी क्या नाम तीसरी सही करने जा रहे हैं। तो अभी इधर हमें चलते हैं, आपसे मैं दिखाता हूँ आज हम फिर से क्या क्या बना रही हैं। और बस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रा सही सब्सक्राइब नहीं करा लोगों ने काफ़ी दिनों से। आप ज़रा हम अच्छा कॉन्टेंट अगर आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ बोला अभी ज़रा अपनी मेहनत करें और सपोर्ट देखा हमें, ताकि हम और अच्छे ब्लॉग बनाते रहें। जितना सपोर्ट देंगे उतना हम अपना अच्छा करके देंगे लोग। तो बस चलने भी किचन में देखते हैं मम्मा क्या क्या बना रही हैं। और बस अभी अभी ज़रा सब सो के उठे हैं और थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4:45 हो रहे हैं और अभी खाना पका नहीं है। तो बस फटाफट चलते हैं, खाते हैं, इंशाल्लाह दुआ करें सारी हमारी पूरी हो जाए और रोज़ा हमारा अच्छा हो। तो फटाफट चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आज फिर से क्या तैयारी होने वाली है? रोटी ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, नया है। मम्मा ने बिल्कुल रात में बनाया था, थोड़ा लेट हो गया है उठने में। चाय उबल रही है और यहाँ पे दूध है और यहाँ पराठे बन रहे हैं। इधर सालन आ गया और मम्मा क्या नाम है हाथ का, तो वो पेड़े बना रही है। तो बस फटाफट अम्मा भी सही बनाती है, इंशाल्लाह पे वही आपसे मिलेंगे। और इतने अभी हम लोग सही करते जाते, सही है? सही, चलो वापस। तो भाई यहाँ पे खिजा भिनी भी रेडी हो चुकी है, इसको बड़ा सा काम लेके जा कर रखते हैं। और जैसा कोई देखें अभी अब सकौन बनना शुरू होगा। और भाई एज़ यूजुअल मसीह मदामी वापस शहदी के वक्त भी अभी सब यही देख रहे हैं। और क्या नाम है अभी जैसा कौन अगले वाला है, फटाफट खाते हैं इंशाल्लाह, फिर हम आपसे मिलते हैं। इधर सालन भी आ चुका है और यहाँ पराठे भी अबू रान और मेरे। तो भाई बताइएगा कमेंट में सालन कैसा लग रहा है, मम्मा रात में बनाया था और क्या बहुत मज़े का है वैसे तो। और बस जरा अभी खाते हैं इंशाल्लाह, फिर सहरी भी करते हैं। खुशा मैंने दिखा दी थी आपको और यहाँ पापा अपने क्या नाम सहरी कर रहे हैं, फटाफट हम भी सहरी करते हैं और जब मम्मा आएगी वो भी आज थोड़ा आपको दिखा देंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद से। इसी अस्था में वहां बनी इसराइल में एक और भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वो आपसे 2 मिनट बाद आएगा कि इसी अस्था में कमोबेश वहां पर एक और डेवलपमेंट भी हो रही है। लेकिन यहाँ ये बैलगाड़ी जा रही है, ये ताबूत सकीना जो कि वहां यहां से वहां चला गया था, अब ये बैलगाड़ी में ताबूत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई कैसे हैं आप लोग? भाई फिर से वेलकम हो चुका है हमारे अंदर ब्लॉग के अंदर। जिस तरह से अभी आपने शहरी में देखा था, मैं काफ़ी ज़रा नींदों में था तो मैंने ज़रा ब्लॉग शुरू करा, बाकी सब शहरी दिखाई थी। अब ज़रा उठ सो के उठाऊँ, अल्लाह बस नमाज़ पढ़नी है, सब हो रही है। بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يقولون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المتقبلين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذ غدا أمرني فإنما يقول له كن فيكون. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई कैसे हैं आप लोग? आपका वेलकम हो चुका है हमारे नेदर ब्लॉग के अंदर। तो भाई जैसा भी आपको पता है क्या नाम है अपना ज़रा 4 बज चुके हैं उस वक्त क्या नाम अपना, और अफ्तारी का टाइम कर करीब आता जा रहा है, भाई की भूख बढ़ती जा रही है। इस तरह से हमने आपको सही में दिखाया था कि भाई हमने फटाफट उठा, मैंने फिर ब्लॉग स्टार्ट करी, दिखाया मम्मा ने खाने में क्या क्या बनाया था, मतलब माशाल्लाह भाई सही करके मज़ा आ गया था आपको। मैंने फिर 2 पराठे फोड़े मंड गए, मज़ा बहुत आया। अब बस रोज़ा आज का भी अलहमदिल्ला लगा शुक्र है। तो बस अब मैं क्या ना मैं अपना ज़रा ये सब्ज़ी लेकर आ जाए, ज़रा मैं कुछ मंगवाया कुछ अच्छा सा मिसाज बना रही है। बड़े दिन से ज़रा समोसे वो रोल पकौड़े बहुत खा लेते ना क्या ना मैं, तो मम्मा ने बोला चलो आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं और हल्का बनाते हैं। तो बस अभी ज़रा मम्मा ने हमें सौदा लेने भेजा, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मैं भी चलता हूँ आपके साथ सौदा लेने, दिखाते हैं आपको क्या क्या लेंगे हम लोग, फिर वापस घर पर आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम हल्का बनाएंगे जो है।
तो बस अभी जरा बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जरा मैं जरा सौदा लेकर आऊँ, फिर मिलता हूँ आपसे। एक बात कहना भूल गया था, सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, लाइक भी करना है। तो बस चले मेरे साथ, चले आप लोग, मैं भी दिखाता हूँ मैं किस तरह से ग्रोसरी करता हूँ, बार्गेनिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, और फिर वापस घर पर आके हम अपना दर्द भी करवाएंगे। हाँ भाई यूँ वापस चल रहा है, बताया जैसे कि मैं अपना सौदा लेने के लिए आ चुका हूँ, फटाफट कह रहा मैं सौदा लेने के लिए निकला हूँ मैं, ये शॉर्टकट मैंने रखा लिया है, फटाफट जरा जरा सौदा लेकर आते हैं, फट उसके बाद चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, बार्गेनिंग भी करते हैं थोड़ी से, अगर वो कर लें बार्गेनिंग तो मैं आती नहीं है, क्योंकि हमारी अम्मी और अबू सब ये सब प्रो होते हैं सब चीज़ों के अंदर, हम तो फटाफट देते पैसे देते और आ जाते हैं। और बस ईद भी करीब आने वाली है, अल्लाह का शुक्र है कि भाई 3 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, आज मेरे ख्याल चौथा रोज़ है तीसरा रोज़ है, पता ही चला यार। बस फटाफट कहना है मैं दिखाता हूँ, चलते हैं मेरे लोग, और पार्किंग भी करते हैं उसे लेते हैं और लौट करके इधर चलते हैं। क्या है सही है, दो ही दे दें अच्छी साफ ली बड़ी बड़ी सही है। इसके अलावा यार ये बंद गोभी पता, छोटी सी बंद गोभी, छोटी बंद गोभी हाँ बता कितने की, हाँ कम होना से लगाया, चलो चलो कितने हो गए, शुक्रिया। भाई तो भाई जैसा आप लोग देख लिया है कि भाई बहुत महंगाई हो चुकी है, ये बस ये सिर्फ दो चीज़ें, सिर्फ दो शिमला मिर्च और एक बंद गोभी आ रही है बड़ी, ये 100 रुपये की मतलब कोई हद होती है। बहरहाल बंदा अच्छा था, बार्गेनिंग कर ली उसने, 10-20 रुपये कम करें बस, इसके अलावा चलते हैं घर पर चलते हैं, और मैं खास मैं पास्ता बना रही हूँ, मैं घर पर चलते दिखाऊंगा कौन सा पास्ता बना रही है, बनेगा हमारे साथ तक के लिए वापस। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने फटाफट जो है ना आलू मटर का पुलाव आज करा रही हूँ, और साड़ी में तो मैंने जल्दी से मसाला भून के रख दूँ, और फिर इसमें आलू कट करके बटा लूँगी, और ये मसाले बन रहे हैं, और जो है ना आज मैंने कहा चलो आलू मटर का पुलाव बनाते हैं, क्योंकि अब साड़ी जो है वो अब खाई नहीं जा रही, तो अभी अभी भी बस गैस आई है हमारी, तो फटाफट मैंने कहा चलो मैं ये बना के भून के रख देती हूँ, और जब भूनने के बाद जो है वो चावल डाल के उसको दम लगा दूँगी, और बाकी तैयारी भी कर दूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मसाला जो है ना वो ज़बरदस्त हमारा भून रहा है, मतलब कि मुझे आ रही है, और ये आलू भी मैंने डाल दिए हैं, अब बस मैं गलने के लिए रखूँगी, और बस फिर आखिर में इसमें चलेगी चावल, और ये बन रहा है आज पुलाव हमारे घर में आलू मटर का मसाले वाला, कैसे था आपकी फरमाइश पर, तो बस इसको भी रेडी करते हैं, फिर दूसरी चीज़ पर जो है वो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, अब बताएं व्यूअर्स का क्या बना रही हैं आप, क्या बना रही हूँ मैं आज, बना रही हूँ व्हाइट सॉस क्रीमी पास्ता, जिसके लिए मैंने जो है ना इंग्रेडिएंट सारे निकाल के रखे हैं, मैदा व्हाइट सॉस बनेगा, मैदा उसको ये बॉईल करेंगे पास्ता, और आज मैं डालूंगी इसके अंदर जो ना मोज़रेला सही, इसके अलावा रोज़मेरी और ओरिगैनो, ये लेमन मिर्च, ये सब लेमन जूस बर्तन धो दो के हाल हो गया, बर्तन धो दो के हाल हो गया। अच्छा सब्जी कैसी मिली, सब्जी ये बताओ सब्जी कितनी आई है, 100 रुपए की, ये इतनी सी कैबेज, हाँ बस ये 60 रुपए की मिली है, और बार्गेनिंग करके 50 रुपए की, अल्लाह मियाँ ये तो पूरा क्या मैं बोलूँ, इतनी महंगाई हो रही है, अल्लाह ताला इन सब्जी वालों को फ्रूट वालों को अल्लाह मियाँ हिदायत दे दें, ये इतनी सी 20 रुपए की, चलो आज का हमारा काम तो निकल जाएगा, आज का काम निकल जाएगा, ऐसी बात है, अब देखते हैं पास्ता हमारा कैसा बनता है, सही है ना, हम आप ही करेंगे सही। तो मतलब यार महंगाई इन्होंने इतनी कर दी है कि भाई मतलब मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल आदमी मतलब इतनी सी चीज़ अगर 100 रुपये में उसके पास चले जाएगा तो बंदा क्या फिर खरीदेगा, अल्लाह ने हमें दिया अल्लाह बस हमें दे और दे अल्लाह आप सबको दे अल्लाह बस इस दुनिया को क्या नाम है कि अच्छा बना दे बस, और ये महंगाई बस खत्म हो जाए इस पाकिस्तान से, खास तौर पर फ्रूट वाले तो भाई मतलब इनका रमजान आता है और ये लोग अपने वापस से बाहर हो जाते हैं, आसमान पे चढ़ जाते हैं ये लोग, मतलब इन एक जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा होता है, नॉर्मल पीपल होता है कि वो मतलब इस तरह से सही चीज़ें बाई नहीं कर पाता, किस तरह वो अपने घर चलाएगा, और फिर क्या नाम है अपना ये सब भी इफ्तारी का सामान, फिर जहर से वाले उनको भी रोज़ा खोलना होता है अपना, वो भी बेचारों का भी दिल होता है कि मछली से अच्छा रोज़ा खोलें, और ये पर ये महंगाई इन लोगों की भी बेचारों को बर्बाद करके रख दिया है, हाँ बेचारे इतने मेहनत करते हैं और फिर उनको ये सलाह मिलता है बाद में, तो बस क्या बोलूँ मैं यार ये महंगाई तो बस पूरा गर्मी बहुत है, गर्मी और रोज़ा वाला दोनों आपको पता है कॉम्बिनेशन, जहर से बारे कल तो और गर्मी होगी क्योंकि जुम्मा है, बस बस अब कल का भी इंशाल्लाह ब्लॉग बनेंगे, डीलर टू डीलर ब्लॉग आता रहेगा, कल के दर से पढ़ रहे अब हर जुम्मा हमारा स्पेशल ब्लॉग होता रहेगा, क्योंकि ये जुम्मा है और स्पेशल होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, कल ही बताऊंगा इंशाल्लाह, सरप्राइज है वो, बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई देखेंगे अभी देखें, अभी अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ हूँ, और इस वक्त पता नहीं टाइम मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि टाइम अभी हो रहे हैं 6:15 टाइम हो रहा है,
और अम्मा ने अभी तक क्या नाम है सिर्फ व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है, क्योंकि अभी आपने अभी लाइव भी देखा होगा अभी हमारा। तो बस अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अफ्तारी का टाइम कम बचा है और बहुत सारे काम बचे हैं अम्मा के लिए, क्योंकि हम अभी आज बनाने वाली हैं रोल पराठा और अभी क्रीमी पास्ता तो मैंने बना लिया है। इसके अलावा फ्रूट चाट भी बाबा आने वाले हैं वो आके बनाएंगे। अब बुरहान भी क्या नाम है अपना नमाज़ पढ़ेगा सर वो आके फटाफट। यार भूख बहुत लग रही है यार, नहीं गुजर रही यार बहुत, और आज बहुत भाग बहुत ही भूख लग रही है सर। मैं सौदा भी लेकर आया हूँ, मैं आपको दिखाया था, साफ सी बात है भाई मुझे बहुत 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 भूख लग रही है, हालांकि ऐसा कहते नहीं है। बस जरा ये लोग आ जाएँ पुराने फजर से पूछते हैं आप लोग रोज़ा कहाँ का रखा है। भाई मैं तो सच से बता रहा हूँ, मैंने तो भाई रोज़ा रखा है पेट के अंदर, क्योंकि अभी सभी भूख लग रही पेट में ही, बस रोज़ा मैंने पेट में रखा है। अब फटाफट क्या नाम है अपना जी, हाँ पता है पर ऐसी क्या नाम है भूख लग रही तो मैंने कह दिया। चलिए भाई अब ऐसा नहीं बोलेंगे और बस कल के लिए इंतजार करिए, क्योंकि कल हमारे एक स्पेशल ब्लॉग आने वाला है जुम्मे की तरफ से जैसे जुम्मा है कल, क्योंकि कल बहुत मज़ा आने वाला है और कल बहुत वीआईपी सेटअप भी होने वाला है। सही है, हर जुम्मा इंशाल्लाह ऐसा हुआ करेगा। तो बस बने रहेगा वहाँ से, तब तक के लिए देखिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो अभी इस वक्त क्या नाम है अपना मैं बैठ चुका हूँ कुरान पाक पढ़ने के लिए। अभी जैसे आपको बताया था मैं तैयारी करती है, आज मैंने बोला काम कोई नहीं है आज कम काम है, तो मैंने सोचा चलो कुरान पाक पढ़ लेते हैं। अभी भाई माशाल्लाह क्या नाम है कुरान पाक मैं पढ़ रहा हूँ, इधर ये तीसरा पारा क्या नाम है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो चुका है, आज मैं 14 शुरू करूँगा इंशाल्लाह। बस हमारा गोल है कि क्या नाम है इस मरतबा 2 कुरान पाक ख़त्म करें, अल्लाह ताला हमें क्या नाम है तौफीक दे कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ूँ और जितना हो सके गलती कम गलतियाँ निकलें। आपको भी मैं कहूँगा कि भाई आप लोग भी क्या नाम है जितना आपको टाइम मिलता है और जितना थोड़ा टाइम मिले भले आपको टाइम मिले प्लीज़ कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि भाई इस महीने में कुरान पाक पढ़ना दुरुस्त ही पढ़ना बहुत फजल का काम है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिस तरह से क्या नाम है एक बंदा था उसने काला पानी लिया और उसको मैं वॉश बेसिन में जाके उसको पानी में क्या नाम है जैसे उसने पानी डालता रहा काला पानी बाहर निकलता रहा पूरा साफ पानी हो गया। क्योंकि भाई ये रमज़ान हमारे बुरे अमाल के साथ ही करते हैं कि पूरे अमाल सारे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। रमज़ान एक बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे पास हमें अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का। तो बस अभी मैं भी कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी कुरान पाक पढ़ें और मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। अल्लाह ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ويفعلون الخير من يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فعلته ظلمهم ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون। तो गाइस वापस आ चुके हैं हम लोग और भाई यहाँ पे कुरान की तिलावत कर रहे हैं और बाबा यहाँ से वापस से फ्रूट चाट काट रहे हैं। सबको भाई बहुत बहुत सलाम और जो अपना हाँ बस ग्रुप का टाइम हमारा काटने का, तो इस वजह से हमारी ड्यूटी लगती है तो इसको हम पूरा कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को, ठीक है सब गाँव के खास करके आज आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखें। बस ये देखें छोटे भाई नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे और बाबा यहाँ पे फ्रूट काट रहे हैं और मम्मा भी यहाँ पे किचन में लगी हुई हैं और भाई यहाँ पे कुरान की तिलावत कर रहे हैं और यहाँ पे छोटे भाई नमाज पढ़ रहे हैं और भाई कुरान की तिलावत कर रहे हैं और बाबा यहाँ पे फ्रूट काट रहे हैं और मम्मा भी वहाँ पे किचन में लगी हुई हैं। गाइस यहाँ पे रोल पराठा बनने की तैयारी हो रही है, यहाँ पे प्याज पराठा चटनी मेयोनीज और ये क्या नाम है इसका चिकन पॉपर चाट मसाला मम्मा ने एक बना भी दिया। अब देखिए मम्मा कैसे असेंबल करती है इसको। हम डालेंगे चटनी ये पराठे फ्रोजन पराठे थे तो बड़ी आसानी होती है ना इससे। अब हम डालेंगे इसके ऊपर अच्छा कच्चे पानी डाली इसके ऊपर ना मतलब एकदम ठंडा लगा। सही है ये हमने रख दिया इसके ऊपर चिकन और ये हमने रख दिया इसके ऊपर मायो रोल बना रहे ना तो इसलिए मायो डालना जरूरी है। ठीक है अब हम डालेंगे इसके ऊपर प्याज थोड़ी सी थोड़ा चटपटा करने के लिए चाट मसाला से करने के लिए हम डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला। ठीक है अब हम इसको करेंगे रोल भाई यहाँ पर मैं इसका रोल करेंगे बन गया हमारा ये हमारा तो हो गया ये वाला बाबा का है। अब ऐसे करके आप बनाते रहिए सारे ऐसे बनते रहेंगे इस तरह असेंबल करते रहेंगे और हमारा टाइम जो है वाला रोजेगा। फिर मैं दिखाता हूं आपको और भी बहुत सारी चीजें रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम करो खजर भाई खजर भी आ चुके हैं इधर। हां कुछ बोलो आज क्या हूं कुछ बोलो आज क्या हूं आज भूख लग रही है। खजर का रोजा था आज कौन सा रोजा था मेरा था चिड़ी रोजा था जो चिड़ी रोजा रखा उन्होंने आज और क्या नाम अपना और रोजा कहाँ रखा था आपने मैंने वापस अरे फ्रिज में फिर ठंडा होने रख दिया ठंडा क्यों रखना है रोजा माशाल्लाह ये पुराना ये क्या दे रहे हो
ये रोज़ा खुलवा रहे हैं अभी अभी रोज़ा खुल गया माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और यहाँ पे भाई देखें ऐसा लगा कि उसका फोन भी लगता जा रहा है और उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ें बताई थी मैंने आपको, गैस करेगा ये या तरबूज आ गए हैं, खजूर और फूटा डाल, मैंने कहा था मैंने हल्का हल्का सा बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया अच्छा सही है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम आपसे। भैया मुझे आप लोगों से एक और इंपॉर्टमेंट शेयर करनी थी कि भाई ये अभी जो लास्ट कस के मोमेंट होते हैं शादी के वक्त, जितना आप हो सके कसर से दुआ करें और कसर दुरूद शरीफ पढ़ें बिल्कुल, क्योंकि फिर आपको पता है दुरूद शरीफ का सवाब कितना मिलता है। तो बस और यहाँ पर देखें यो एक और चीज़ आ चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देख सकते हैं आप जो हमारे लाइव व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा पूरा बनते हुए किस तरह से ये बना था। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। भाई चले फटाफट क्या नाम है, आज़ान भी होने वाली है, तारीख का तरफ वेट करते हैं, हम दुआ भी मांगते हैं, आप भी दुआ मांगिएगा और जितना हो सके आप हमारी दुआ करिएगा, हम आपकी दुआ करेंगे। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद और तारीख के बाद आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे और फिर ब्लॉग का काम करने में करेंगे। अल्लाह रहमान रहीम भाई आज़ान हो चुकी है, अल्लाह हमारे कर दो अभी का मान दो वाला कर दो अल्लाह रहमान रहीम। वही रोज़ा करते हैं इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे हैं आप लोग, वेलकम हो गया है यार अल्हम्दुलिल्लाह भाई इफ्तारी कर ली है हम लोगों ने, बड़ी मजे की इफ्तार दी हमारे आज। जैसे कि बताया था मैंने आपको क्रीमी पास्ता बनाया था, इसके अलावा हमारे बनाया था अपना वो रोल्स बनाए थे जिसके अंदर चिकन पाउडर्स फिल थे और चटनी वगैरह बनी हुई थी, क्योंकि बस कम टाइम था मुकाबला सख्त था तो मम्मा ने फटाफट का नाम है ये सब बना लिया हल्का फुल्का सामान। तो बस अभी मेरे ख्याल से रात के खाने में हम कुछ और खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे वो माँ को पता है, मैंने बनाया नहीं बनाया है। तो बस अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और भाई फिर से कहना चाहता हूँ यार जितने हो सके इस महीने में बात करें आप लोग उतना आपको सवाब मिलेगा, बस जितना अच्छी बात करेंगे फिर आप लोग इंशाल्लाह जन्नत जाएंगे। और हमारा एक अच्छी एक वीडियो आने वाली है थोड़ी रमजान से हट के, मतलब उसी से मुताल्लिक है पर बहुत फनी और एक अच्छी वीडियो आने वाली है, तो बस उसका भी वेट करिएगा इंशाल्लाह। और कल के ब्लॉग का भी इंतजार रहेगा आप लोगों को मुझे पता है। तो बस बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।